जिस नए कपड़े को हम मार्केट से लाकर पहनते हैं, आखिर उस कपड़े के धागे को कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक छिछली टोकरी के अंदर इस प्रकार के रेशम के कीड़े को पाला जाता है। फिर इन कीड़ों को एक दूसरी टोकरी में इकट्ठा कर लिया जाता है। तब उसके बाद एक बड़ी सी ट्रे को छत के ऊपर लाकर कुछ इस प्रकार इन कीड़ों को उसके अंदर फैला दिया जाता है एंड धूप में खड़ा कर दिया जाता है। फिर लगभग एक या डेढ़ महीने बीतने के बाद ये रेशम के कीड़े ढेर सारा झाला तैयार कर देते हैं। तब इन रेशम के कीड़े को झाले सहित निकाल लिया जाता है एंड कुछ दिनों तक सुखाया जाता है। कुछ समय के बाद इसे गर्म पानी में उबाला जाता है और हाथ से बने इस लकड़ी के सहारे गोल गोल घुमाने पे पतले पतले रेशम के धागे बनकर तैयार हो जाते हैं।